नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अयोध्या से लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे के ऊपर अपहरण, मारपीट और जमीन छिनैती के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपने उत्तर प्रदेश में बहुत पहले कहावत सुनी होगी कि जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ठीक वैसा ही एक बार फिर देखने को मिला। तो यहां ये भी आप गौर करिएगा कि जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास ताकत आती है, जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास ताकत आती है, उनका जुल्मो सितम जो है वो आम जनता पर बढ़ जाता है। अयोध्या में हमने देखा कैसे एक नाबालिग के साथ रेप किया गया लगातार 2.5 महीने तक। उसमें अवधेश प्रसाद का करीबी मोहित खान शामिल था। अखिलेश यादव की जबान से उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। नवाब सिंह यादव कन्नौज में एक दलित बेटी के साथ रेप करने के मामले में आरोपी है। डीएनए टेस्ट की मांग कर दी अखिलेश यादव ने, लेकिन आरोपी को कुछ नहीं कहा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ताकत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में तांडव करते थे, और अगर पावर मिली तो करेंगे। अजीत प्रसाद पर अब जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अयोध्या की नगर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया। रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। मामला है अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करना और धमकाने की धाराओं में यह मामला अजीत प्रसाद के ऊपर दर्ज किया गया। कहा एफआईआर में कहा गया है कि 10-15 अज्ञात लोगों के साथ अजीत प्रसाद आए और रवि तिवारी के साथ उन्होंने मारपीट की। जमीन कब्जाने का मामला कुछ है जिस तरीके से फिलहाल तक जानकारी निकलकर सामने आई है। पीड़ित ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि अजीत प्रसाद ने तमंचा लगाकर और सभी गाड़ी वाहक जितने भी उनके साथ लोग थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की। पूरे रास्ते मारपीट करते रहे, फिर तहसील के पास गाड़ी खड़ी कर दी, 1,00,000 रुपए वापस लेने का वीडियो भी बना लिया। रवि तिवारी का आरोप है कि अजीत प्रसाद ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अजीत प्रसाद को, अब मैं आपको अजीत प्रसाद के बारे में भी थोड़ा बता दूं, अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर सीट से विधानसभा चुनाव उपचुनाव में कैंडिडेट बनाए जाने की बात फिलहाल चल रही थी, क्योंकि अवधेश प्रसाद लोकसभा में पहुंच चुके हैं और अब वो सीट खाली है। उस सीट पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद को वहां से टिकट दिया जा सकता था। इस बात की चर्चाएं चल रही थी और खुद अजीत प्रसाद भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो अब जो ये घटना सामने आई है उसके बाद से बीजेपी भी अब समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन ये तो खैर राजनीतिक बात है, लेकिन यहां जो गौर से आम जनमानस के नजरिए समझने की बात है, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव का शासन रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब देखा हमने किस तरीके से बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया पनप रहे थे, दिन रात वो तरक्की कर रहे थे। समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाजवादी पार्टी, सभी से उनके अच्छे तालुकात थे। और अब जैसे ही समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीती, तब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो तांडव है वो उफान पर है। वो मामला अयोध्या में मोहित खान का हो या फिर कन्नौज में आपका कन्नौज का मामला हो, जिस तरीके से नवाब सिंह यादव के ऊपर रेप के आरोप लगे, अयोध्या में रेप के आरोप लगे, तो समाजवादी पार्टी का शासन किस तरीके का रहा है। और फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी को कुचलने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, उसके लिहाज से 2027 और यूपी में होने वाला उपचुनाव बेहद ही जरूरी हो जाता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।